हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, डिफरेंशियल में हमने एक्सरसाइज 10 भी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 10 सी स्टार्ट एक्सरसाइज करेंगे। 10 सी में फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज कॉपी में स्टार्टिंग पे लिखना, ठीक है। डिवाइडेशन ऑफ साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइडेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का है -1/√1 माइनस एक्स। बस इतना सा चीज है कि हम प्लस की जगह कितना आगे माइनस आगे। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/(1+x²), 1/(1+x²). कॉट इनवर्स एक्स का होता है सेम आ जाएगा -1/(1+x²). सेकंड इनवर्स एक्स का होता है 1/(√x²-1), और कॉस सेकंड इनवर्स एक्स -√x²-1। सी वाले देखो जिसमें भी होते हैं माइनस में आते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/√1-x²। कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1-x²। टेन इनवर्स एक्स का 1/(1+x²। कॉट इनवर्स एक्स का -1/√1+x²। याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/√1-x²। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल -1/√1-x²। टेन इनवर्स एक्स का 1/(1+x²। कॉट इनवर्स एक्स का -1/(1+x²। सेकेंड इनवर्स एक्स का 1/(√x²-1), और कोसेक इनवर्स एक्स का -1/(√x²-1). क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूलेस पे हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। इस बार छोटी एक्सरसाइज है, आज ही कंप्लीट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x। देखो पहले क्वेश्चन से चेन रूल स्टार्ट हो रहा है। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अब देखो हमने आपको कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉस इनवर्स 2x का तो नहीं पढ़वाया ना, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx ऑफ cos इनवर्स 2x। y का डिफरेंशियल कितना होगा? dy/dx। cos इनवर्स x का -1/√1-2x का होल स्क्वायर। x की जगह 2x आ गया, तो cos इनवर्स x का होता है -1/√1-x²। cos इनवर्स 2x का कितना हो जाएगा? -1/√1-2x का होल स्क्वायर। दोबारा किसका करेंगे? जो x की जगह है, x की जगह है 2x। dy/dx ऑफ 2x, 2x का डिफरेंशियल कितना होगा? 2, क्या आगे -2/√1-4x²। यह आंसर। कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1-x², तो ऐसे का कॉस इनवर्स 2x का -1/√1-2x²। दोबारा किसका करेंगे? 2x का, 2x का डिफरेंशियल कितना है? तो -2/√1-4x². क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सर, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स log x। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल मैंने आपको पढ़ाया 1/(1+x²। टेन इनवर्स log x का तो नहीं पढ़ाया ना, तो log x को थोड़ी देर क्या मान लेंगे x। टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1/(1+x²। दोबारा किसका करेंगे? log x का। log x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/(x). डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा dy/dx ऑफ y। dy/dx tan इनवर्स log x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/(1+x²), तो यह आएगा 1/(1+log x का होल स्क्वायर। dy/dx x की जगह log x, तो 1/(1+x²) आ गया। दोबारा किसका करेंगे डिफरेंशियल? log x। log x का डिफरेंशियल कितना होगा? 1/(1x)। तो
वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स, तो आंसर आ गया वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, आंसर आ गया वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फाइव होगा, वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? सिक्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। सेवेंथ में y इक्वल्स टू लॉग टेन इनवर्स x। सिक्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर सेवन। y इक्वल्स टू लॉग टेन इनवर्स x। अब इसमें इसमें लॉग x को करेंगे डिफरेंशियल, इसको x मानेंगे थोड़ी देर के लिए। लॉग x का डिफरेंशियल कितना होता है वन अपॉन x, x से जगह टेन इनवर्स x आएगा, फिर टेन इनवर्स x का दोबारा होगा टेन इनवर्स x का होता है वन अपॉन वन प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx of y dy dx of log tan inverse x dy by dx log x का डिफरेंशियल वन अपॉन x, तो वन अपॉन tan inverse x। दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे tan inverse x का, tan inverse x का डिफरेंशियल कितना होता है log x का डिफरेंशियल वन अपॉन x हो गया, इसको हमने x मान लिया, तो log x का आ गया वन अपॉन x वन अपॉन tan inverse x, जो x है उसका दोबारा करेंगे x क्या है tan inverse x, tan inverse x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, क्या आ गया आंसर 1 upon 1 plus x square into tan inverse x आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवन। log x का 1 upon x, x का दोबारा करा x का था tan inverse x, tan inverse x का डिफरेंशियल 1 upon 1 plus x square। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 यू हैव टू डू योर सेल्फ। आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 10 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 10 इनवर्स। इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा सिंपली, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड एक्स ऑफ y डिवाइड एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो ये एल्जेब्रिक हो गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड एक्स ऑफ टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स एक्स एज इट इज डिवाइड एक्स ऑफ वन प्लस एक्स। 1 plus x square as it is, divide x of 10 inverse x plus 10 inverse x as it is, divide x of 1 plus x square. 1 plus x square as it is, इसका differential 1 upon 1 plus x square plus 10 inverse x as it is, 1 का differential 0 x square का 2x, ये इससे cancel हो गया, ये आ गया 1 plus 2x 10 inverse x answer. 1 plus 2x into 10 inverse x. क्लियर क्वेश्चन नंबर 10। वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज वन का डिफरेंशियल जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वन प्लस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स आंसर आ गया। करें क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन है,
11 क्वेश्चन में दे रखा है y = tan इनवर्स cot x, y = tan इनवर्स cot x। देखो cot x को आप tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो इसे कितना डिफरेंट बना दो, जितना सॉल्व हो सके पहले उतना सॉल्व कर लेते हैं। cot x को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्लियर है? अंदर tan इनवर्स into tan x आपका x होता है, इनवर्स सिग्नोमेटिक फंक्शन का फॉर्मूला है। tan इनवर्स into tan x कितना होता है x, ये tan इनवर्स 10 तो की पावर माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगी, बस x बचेगा, तो x कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइडिंग x ऑफ y, डिवाइडिंग x ऑफ पाई बाय 2 माइनस डिवाइडिंग x ऑफ x, y का डिफरेंशियल डिवाइडेड x, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा 0, x का 1, तो आंसर आ गया माइनस। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। y को सूत्र रखा था tan इनवर्स cot x, cot x को हमने tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, tan पाई बाय 2 माइनस x, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो आ गया पाई बाय 2 माइनस x, tan इनवर्स tan x = x होता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx ऑफ y = dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस dx ऑफ x, y का dx पाई बाय 2 को 0, x का डिफरेंशियल 1 तो कितना आ गया माइनस 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 करें सर, अब क्वेश्चन नंबर 10 में रखा है y = log sin इनवर्स x / 4, तो इसको हम x मान लेंगे, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 / x, फिर sin इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा, sin इनवर्स x होता है 1 / √1 - x स्क्वायर, फिर x की जगह x / 4 आया, फिर x / 4 का होगा, x / 4 का डिफरेंशियल होगा 4x को। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले का dx ऑफ y, dx log sin इनवर्स x / 4, y का डिफरेंशियल dy/dx, log इसका 1 / sin इनवर्स x / 4, दोबारा किसका करेंगे dx ऑफ sin इनवर्स x / 4, sin इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 / √1 - x स्क्वायर, तो dy/dx यहाँ जाएगा 1 / साइन इनवर्स x की पावर 4, 1 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x वैल्यू x की पावर 4 है और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। अब दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे x की पावर 4 का, x की पावर 4 का डिफरेंशियल कितना आएगा 4x क्यूब, यह आ गया 4x क्यूब साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 अंडर रूट में आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 8, ये आंसर है। लॉग एक्स डिफरेंशियल 1 / एक्स, 1 / साइन इनवर्स एक्स की पावर 4, साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 का दोबारा करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल होगा 4x क्यूब साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 / अंडर रूट 1 माइनस एक्स साइन एक्स की पावर 8। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया था, ये लॉग एक्स का 1 / एक्स
इस एक्स का दोबारा करा साइन वर्स एक्स बाय फोर का, वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय फोर का दोबारा करो तो कितना आ गया फोर एक्स क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 14 यू हैव टू डू योर सेल्फ, देन 15 करेंगे, 16 यू हैव टू डू योर सेल्फ, देन 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 13 में दे रखा है y इक्वल्स टू cot इनवर्स x स्क्वायर का होल टू, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। और फॉर्मूला आएगा x की पावर n का, x की पावर n का डिमेंशन होता है n x की पावर n माइनस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx ऑफ y, dy/dx cot इनवर्स x स्क्वायर का होल टू, x की पावर n का डिमेंशन n x की पावर n माइनस, तो आगे dy/dx 3 cot इनवर्स x स्क्वायर का होल टू, एक्स बार एन का डिफिनेशन एन एक्स बार एन माइनस, दोबारा किसका करेंगे कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का, कॉट इनवर्स एक्स का डिफिनेशन होता है वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह देखा थ्री कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफिनेशन होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स जगह एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है टू एक्स, तो यह देखा माइनस के टू किया सिक्स सिक्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर, पहले से हमने क्या लगाया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाया, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर थ्री कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री माइनस वन पर टू रहेगा, दोबारा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, तो आगे माइनस के टू किया सिक्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, एक्स बार एन का डिफरेंशियल एन एक्स बार एन माइनस वन, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, फोर्टीन यू हैव टू डू योर सेल्फ, 15 करें, 15 दीजिए, 15 में देखा है y इक्वल्स टू 10 साइन इनवर्स x, अब 10 x का डिफरेंशियल होता है कितना होता है 10 x का sec स्क्वायर x होता है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूंगा, 10 x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर साइन इनवर्स x आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ y, dy dx 10 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स इज के साइन इनवर्स एक्स है, 10 एक्स डिमेंशन होता है सेक स्क्वायर एक्स पे आ जाएगा, डी वाई बाई डी सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, दोबारा इसका डिमेंशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स, जो एक्स इज के है एक्स के साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डिमेंशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखा सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, पहले इसको एक्स मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स को, टेन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का दोबारा करेंगे साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका, 16 यू हैव टू डू योरसेल्फ, 15 का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, पता कैसे आ रहा है साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेंगे, यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो ठीक है, तो यह देगा आपका साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता, अब साइन थीटा आपका एक्स आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू देख कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू x है तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर कॉस थीटा कितना आ गया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यहां पे हमारे पास इसको हमने माना था साइन इनवर्स x को थीटा तो थीटा कितना हो गया साइन x हो गया x इक्वल्स टू साइन थीटा सॉरी अब देखो sec स्क्वायर साइन इनवर्स x को थीटा माना तो आ गया sec स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस x स्क्वायर की पावर कितनी है ठीक है देखो आंसर यहां पे ठीक है आपको आगे कवर करना है पूरा आंसर लेके आना है देखो पहले मैंने इसको x माना tan x का डिफरेंशियल कितना हो गया sec स्क्वायर sec स्क्वायर sin x इनवर्स ऑफ फिर sin इनवर्स x का कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अब हमें पूरा क्वेश्चन sin x पर कन्वर्ट करना है sin इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया तो sin थीटा कितना आ गया x अब आपको आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो निकालना क्यों चाह रहा हूं क्योंकि यहां पे आएगा sec स्क्वायर थीटा आएगा तो मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन होता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपका 1 माइनस x स्क्वायर आ गया जब cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस x स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर क्योंकि sec थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos थीटा तो ये आ गया आपका sin sec स्क्वायर इसकी जगह थीटा रखा तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 बाय 2 तो पावर कितनी आ गई 3 बाय 2 बाकी अभी आंसर छोड़ोगे तो ठीक है आपको आंसर मैच कराना था इसलिए मैंने कर दिया आपको पूरा क्लियर कुछ नहीं करा बस इसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है साइन थीटा की वैल्यू एक्स आ गई उससे हमने कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दिया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा हो गया नेक्स्ट 16 यू हैव टू डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम 17 तो इसी क्वेश्चन 17 में तेरे था y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन इनवर्स x स्क्वायर मैंने आपको रूट x का डिफरेंशियल याद कराया ना रूट x का डिफरेंशियल कितना याद करा दिया मैंने आपको 1 अपॉन 2 अंडर रूट x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड x ऑफ y डिवाइड x अंडर रूट साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट x इस पूरे को x मान लो पहले का डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन टू अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स एक्स क्या आया एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आया तो इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले का 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा पहले का 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर यह आंसर क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है वाई इक्वल्स टू अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर था साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर दोबारा इसका डिफरेंशियल करा साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां पे एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स ठीक है
इजी सा ही क्वेश्चन तो 17 रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स का दोबारा करा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का दोबारा करा 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 प्रूफ करने का, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई एक्स माइनस के टू, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, आंसर कितना लाना है, मैं माइनस टू लाना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो वाई इक्वल्स टू अगर साइन इनवर्स कॉस एक्स को लिखेंगे हम साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, प्लस कॉस इनवर्स इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन 90 माइनस सीटा कितना होता है कॉस सीटा, और कॉस 90 माइनस सीटा साइन सीटा, तो कॉस सीटा को हमने साइन 90 माइनस सीटा लिख दिया और साइन सीटा को कॉस 90 माइनस सीटा, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल तो आ गया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू अगेन टू पाई बाई टू माइनस टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ पाई माइनस के टू डिवाइड एक्स ऑफ एक्स, कॉस को लिखा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन को लिखा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस टू एक्स, टू से टू कैंसिल पाई माइनस टू एक्स, डिफरेंशियल क्या डिवाइड एक्स ऑफ पाई माइनस के टू बाहर आ गया मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, पाई का डिफरेंशियल जीरो होगा माइनस टू एक्स का वन होता है माइनस टू वन सर। क्वेश्चन नंबर 18 प्रूफ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है क्वेश्चन, कॉस एक्स को लिखा हमने साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन एक्स को लिखा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल पाई बाई टू माइनस एक्स, टू पाई बाई टू माइनस टू एक्स, टू से टू कैंसिल पाई बाई टू पाई माइनस टू एक्स, पाई का डिफरेंशियल जीरो टू एक्स का डिफरेंशियल वन तो माइनस टू आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 ये भी इजी 19 क्वेश्चन में प्रूफ करना है वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस के लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स, आंसर में टू टेन इनवर्स एक्स लाना प्रूफ करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी मिसाल के 2x tan inverse x, x tan inverse x का तो प्रोडक्ट टू लेगा 2 x as it is dy dx of tan inverse x plus tan inverse x as it is dy dx of x, सो द प्रोडक्ट टू लग गया 2 बार रख लिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स का दैट इज एक्स का डिफरेंशियल वन, लॉग एक्स का वन अपॉन लॉग वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा टू एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का टू टेन इनवर्स एक्स माइनस के टू एक्स, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर,
आंसर इज 2 10 6 टू बाहर एक्स टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस डिवाइडिंग ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x इज इट इज 10 इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स एक्स इज इट इज एक्स का डिफरेंशियल 1 log x का 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे चेंज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 10 इनवर्स एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आंसर 2 10 इनवर्स एक्स तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई क्लियर प्रोडक्ट रूल लगाए x एज इट इज 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल प्लस 10 इनवर्स x एज इट इज x का डिफरेंशियल माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 x 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x एज इट इज x का 1 log x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे चेंज रूल से 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 2 10 इनवर्स x 1 का 0 x स्क्वायर का 2 x 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर थैंक यू